जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिससे हमारे जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। ख़ास तौर पर स्त्रियों को माता शैलपुत्री के पूजन से विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, क्लेश और बीमारियां माँ शैलपुत्री की कृपा से दूर होती हैं। अब हमें शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करनी है ये भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले माता की प्रतिमा को लकड़ी के पटरे या चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित कर लें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अधिक प्रिय है, इसलिए हो सके तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा है साधक, तो वो भी सफ़ेद वस्त्र धारण करे और माता को भी सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद रंग का नैवेद्य यानी सफ़ेद रंग की बर्फी, मिश्री का भोग लगाएं माँ शैलपुत्री को। शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और माता, ऐसा भी है ना कि माता शैलपुत्री की पूजा का एक विशेष उपाय भी है जो हम आपको बता रहे हैं। कि एक आपको साबुत पान का पत्ता लेना है, उस पर 27 फूल वाली लौंग रखना है और माता शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाना है और एक सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा में मुँह करके बैठ जाओ। उसके बाद ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। इसके बाद जितनी सारी लौंग आपने पान के ऊपर रखी थी, उन पूरी लौंग को एक कलावा में बांध लें, उसको एक माला जैसी बना लें। उसके बाद दोनों हाथों से उस माला को पकड़ के माता शैलपुत्री को पहना दें और माता शैलपुत्री के सामने अपनी जो इच्छा है वो कह दें। इससे आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जो कलह है, क्लेश, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस इतनी सी जानकारी इस वीडियो में। जय माता दी।